अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, ये जहाँ मेरे पास दूसरे पौधे हैं, परमानेंट है, प्रीनियल है और सब्जी वाले हैं और ये टमाटरों के हैं, मैं हर किस्म का को एक एक दो दो पौधा रखता हूँ ताकि ये उसकी फलों वाले भी फूलों वाले भी आ कर आके कोशिश करता हूँ। तो ये मैं फलों के फूलों वाले बहुत सारे किस्मों के मेरे पास पौधे हैं, उधर पड़े हैं। तो ये भी दो गमले इधर है मेरे पास, ये जरबीरा है। अब इसको जरबीरा कहते हैं, मैं जरबीरा कह के ले आया कि आए तो आप किसी और नाम हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ये बता दें कि इसका क्या नाम है। तो इसमें ये दो तीन दिन हुए फूल निकले हैं, बहुत ही प्यारा फूल है। जिस नर्सरी वाला कहता था कि बहुत ही खूबसूरत फूल निकलेंगे इसको, तो ये एक एक कितने फूल निकले हैं। चलो सर, ऊपर से ये सारा भरा हुआ है पौधा, छोटा सा पौधा है लेकिन फूल बहुत ज़्यादा है और फूल भी बहुत खूबसूरत है। नीचे ये सैपल है, इसकी हरी पत्तियाँ हैं, ऊपर जो रंगीन पत्तियाँ हैं वो कई लेयर हैं, कई लेयर हैं लेकिन छोटी छोटी हैं लेकिन खूबसूरत। तो ये अंदर है इसके, ये जो सैप पैटर्न स्टेमन वगैरह जो है तो इस पर ओवरी, तो जो वो येलो है, ये पिंक है रंग, तो पिंक है, तो बहुत बेबी पिंक, लाइट बेबी पिंक है। अब पता नहीं कौन सा पिंक है, ये पिंक में कई रंग है, बहुत ही खूबसूरत है, बड़ा ही प्यारा फूल है और बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं। एक दफ़ा इतना गुच्छा सा निकला। और ये उस गमले में ये 10 इंची का गमला है, इसमें लगाया था, गमला तो इससे बड़ा है लेकिन मेरे पास ये गमला अवेलेबल था तो इसमें मैंने ये पौधा लगा दिया। तो इसको ये 3-4 दिन हुए हैं फूल निकले हैं और नीचे से बहुत शूट निकल रही है, ये दिखाएँ, बेशुमार शूट्स निकल रही हैं। इसका मेरे ख्याल है ये पहली दफ़ा मैंने लगाया है ये फूल, तो इसकी पूरी है बट्स तो मुझे नहीं पता ये कैसे आगे चलेगा और कैसे कितना इसका सीज़न है। तो ये आखिरी हफ्ते, मार्च के आखिरी हफ्ते में इसने ये ऐसे बनानी शुरू की थी, बट्स ही डोडियाँ कहते हैं हम अपनी पंजाबी जबान में। और ये मार्च के अप्रैल की पहली को ये खिल चुका था, अब 3-4 दिन हो गए इसको, 5 दिन खिले हुए को भी, लेकिन फिर भी अभी बहुत ही खूबसूरत है और बिल्कुल तरोताज़ा है, लगता है इसकी ज़िंदगी काफ़ी लाइफ है ना, लंबी होगी फूलों की। बात फूलों की होती है, सुबह से शाम 2 दिन 1 दिन कोशिश के 2 घंटे 4 घंटे, लेकिन इसकी 2-4 दिन हो गए मुझे इससे देखते हुए। आज वक्त मिला है तो इस पर वीडियो बना रहे हैं और मौसम भी अच्छा है और बादल भी मेरा ख्याल फिर अल्लाह ना करे बारिश आ रही है, बारिश का मौसम भर रहा है, गहरे बादल तो अल्लाह माफ़ करे। तो ये मैं चाहता था कि ये भी मेरे पास है पौधा तो इसको भी दिखा दिया जाए। इसके पास ये दूसरा पौधा है जो साथ ही मैं लगाया था, एक वक्त में मैं 2 पौधे लगाता हूँ, जब कुछ बाहर से नर्सरी वगैरह से लाता हूँ, मैं खुद तो नहीं उगाता ये फूलों के, बहुत महंगे पड़ते हैं, खुद उगाने से भी तजर्बा भी नहीं है, ये गुआई ले आता हूँ नर्सरी से, ये मैं पौधे तो ये लगाता हूँ। ये दूसरा ये उससे भी बड़ा है, ये बहुत ही खूब, इसका पौधा ही बहुत खूबसूरत है, ऐसे है जैसे वो पत्ता तो इसका छोटा सा जो हो ना, वो कहते हैं जो खाते हैं हम पालक वगैरह, तो ऐसे ही है ये, इसका पत्ता ये कट है, चारों तरफ कट है, तो ये पत्ता बहुत ज़्यादा है और उसमें से शूट्स निकल रहे हैं, ये सारे फूल बन रहे हैं इसके, ये डोडियाँ, ये बेशुमार है, क्या गिन के क्या गिन भी नहीं सकता, ये इतनी इसको निकल रही है। ये उस पौधे से ज़्यादा फूल निकालेगा, ये उससे ज़्यादा हेल्थी है, तो ये अल्लाह की शान है, कोई ज़्यादा हेल्दी रह जाता है, कोई नहीं रहता, मर जाता है, ये अल्लाह को पता, ज़िंदगी देने वाला लेने वाला अल्लाह ही है। तो ये दूसरा पौधा है, तो इसको अभी इंशाल्लाह मेरा ख्याल है कि 3-4 दिन बाद इसको ये फूल निकल जाएंगे और बहुत खूबसूरत फूल है, जब दोनों गमलों में फूल होंगे तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे। मेरा अंदाज़ा था कि एक दफ़ा ही लगेंगे, एक ही पनीरी थी, एक दफ़ा ही लगाया था, एक दफ़ा ही लगाए थे, लेकिन ये हफ्ते का तकरीबन ये ड्यूरेशन पा रहा है, ये लेट हो रहा है, एक हफ्ता या उससे ज़्यादा दिन, तो इसके बाद में फूल निकल रहे हैं, ये अल्लाह ही जानता है ये क्यों लेट निकाल रहा है या इसको पता हो। तो मेरा जितना काम था, इसको अच्छी सी मिट्टी बनाई है गमले में, इसको लगाया, इसकी देखभाल की है, पानी देता हूँ, तो पानी ज़्यादा नहीं मांगता, ये छोटा पौधा है, इसको पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, 3-4 गर्मियों में दूसरे तीसरे दिन में देता हूँ, सर्दियों में मैं तो हफ्ते के बाद ही देता रहा हूँ, सर्दियों का सारा सीज़न हफ्ते में एक दफ़ा पानी दिया।
और ये इसकी बढ़ोतरी भी मार्च के महीने में ही है। पहले ये छोटा सा खड़ा रहा था ऐसे, और मैं इसको रोज़ देखता था कि ये बढ़ नहीं रहा, ये क्यों नहीं बढ़ता। अब मैंने शायद जल्दी लगा लिया तो वो मैं तंग आ गया था कि ये तो बढ़ता ही नहीं है, ये शायद सूख ही जाए, ऐसे ही लगता था खड़ा खड़ा। तो लेकिन अलग कुदरत है, जैसे ही मार्च आया तो इसकी बढ़ोतरी शुरू हुई है, ग्रोथ हुई है। तो मार्च में ये ऐसे इसमें बहुत प्यारे प्यारे फूल दे। वो जिससे मैं लाया था वो नर्सरी वालों कहते हैं कि दो रंगों के हैं, इसमें देखें बाद में अगर मौका मिला तो दिखाएंगे कि कौन सा रंग इसमें से फूल से निकला है। आगे इंशाल्लाह इतना ही जिंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर दिखाएंगे। ये दोनों पौधे मेरे पास हैं, इधर रखे हुए हैं, दूसरे फलों फूलों वाले उधर हैं। तो ये जगह जहाँ जहाँ जगह मुझे मुनासिब मिलती है मैं रख देता हूँ।